विकासनगर तहसील में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में पेंशनधारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम विकासनगर को ज्ञापन सौंपा। इस बीच रघुनाथ सिंह का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा है कि यह दोहरापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जन संघर्ष मोर्चा इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। पेंशन मिलती है तो एक सम्मान स्वरूप जो राशि मिलती है उसमें सरकार ने 2016-17 में एक आदेश जारी किया कि जो दोहरी पेंशन ले रहे हैं, जिनको राज्य स्वरूप से अन्य पेंशन मिल रही है, उनको बंद कर देना चाहिए और जिलाधिकारी ने उस पर नोटिस जारी किया। हमारा कहना यह है कि प्रदेश के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कई कई पेंशन ले रहे हैं।